दोस्तों आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4.0 लग गया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो क्या कुछ आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नए नियम, यानी कि या फिर राज्य सरकार की तरफ से जिन भी राज्य में आप काम करते हो, यानी कि अगर आप रोज का रोज कमाते हो या फिर आप मंथली इनकम कमाते हो, तो क्या आपको सैलरी दी जाएगी अप्रैल और मई की या फिर नहीं दी जाएगी। वीडियो अंत तक देख लेना, आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सैलरी देने की बात कही गई है। लेकिन बहुत सी ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि सैलरी देने से इनकार कर रही हैं। अब ऐसे में वो मजदूर जो कि उन्हीं के पैसे से उनका काम चलता है और लगभग 2-3 महीने बीतने वाले हैं, वो बैठ कर ही खा रहे हैं। तो क्या कुछ निकल गया है ये जानते विस्तार से वीडियो अंत तक देख लेना। अगर आप भी किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं और अभी तक आपको सैलरी नहीं मिली है, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है, ये चीजें जानना आपका पूरा हक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसा कि स्टार्टिंग से ही सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि किसी भी कर्मचारी के पैसे रोकने का कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है किसी कंपनी का, क्योंकि वो आपके यहाँ पे काम करते हैं और काम करके आपको वो पैसे देते हैं और उसी इनकम से आप ग्रो करते हो। तो ऐसे मजदूरों को कभी भी उनके पैसे रोकने का कोई भी हक नहीं बनता। लेकिन कंपनियां भी मजबूर हैं क्योंकि आने का कोई उनके पास जरिया है नहीं। अगर वो बैठ के एक महीने का दे भी देती हैं तो वो दूसरे महीने की सैलरी कभी नहीं देगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा फैसला आज निकल के आया है वो ये आया है कि कंपनियों ने साफ तौर पर ये चीज़ें कही हैं कि मैं अप्रैल की सैलरी तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ मई की तो मई की सैलरी वो देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। तो आज ये चीज़ें खुलासा हुआ है, जितनी भी कंपनियाँ लगभग 90% प्राइवेट जॉब वाले हैं और उसमें से सारे लोग जो है किसी ना किसी कंपनी में काम ही करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आप सभी की तरफ से जो बातें कही गई थी कि मुझे अप्रैल मई की सैलरी मिलनी चाहिए या फिर जब तक मैं घर पे बैठा हूँ तब तक मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर मेरी कंपनी अगर सील भी कर देते हो आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात करें कि सैलरी देने की तो वो 1 महीने से ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर थी निकल के आई थी उन सभी मजदूरों के लिए, उन सभी कर्मचारियों के लिए जो काम करते हैं कंपनियों में, छोटी कंपनियों या फिर बड़ी कंपनियों, कोई भी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर कपड़े की है, ऑटोमोबाइल किसी भी चीज़ की है, तो साफ तौर पर सारी कंपनियों ने बात कही है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। क्या आपको महीने की सैलरी मई की महीने की सैलरी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आप सभी की राय जानकर मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान के लिए आप सभी।